गिर रहा है यो। नहीं नहीं क्या राजकुमार हमारा बहुत यहाँ बैठ के खबर दिख रही यही छोले भटूरे को तो युगों पहले श्री राम जी ने मार दिया था, उसका संहार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का जो बयान आया है उससे लगता है कि रावण को तो कांग्रेस ने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। यही बार बार कांग्रेस के कारनामों से उजागर होता है कि रावण इनके अंदर है और रावण को तो मारना है, रावण को तो मारने का संदेश हर वर्ष दिया जाता है। कई बार पार्टी नहीं, अध्यक्ष का बयान निजी बयान कैसे हो सकता है? अध्यक्ष जो है उसका कोई भी बयान निजी नहीं हो सकता, ये तो एस्केपिज्म है। देखिए कश्मीर है ही भारत का, था ही भारत का, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी की गलती से कुछ समय के लिए हमारा होता हुआ भी हमारे से अलग हो गया था। अब उस गलती को देश प्रेमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुधार दिया है, कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया है। अब जिस प्रकार से इस देश के बाकी प्रांत हैं उसी प्रकार से कश्मीर भी बन चुका है। अब मुफ्ती मोहम्मद को नजर आता है या नहीं आता, नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो उनको हर समय रहता है क्योंकि जो उनके मंसूबे थे, जो वो पाकिस्तान प्रस्त राजनीति करना चाहते हैं और करते आए हैं, वो राजनीति खत्म हो चुकी है, इसलिए वो राजनीति फेल हो चुकी है, इसलिए उनको गम तो हर वक्त रहता है। लिख के दे सकता है तो दे दे, रिजल्ट तो जनता निकालती है और जनता बता देगी रिजल्ट वाले दिन कि केजरीवाल जी कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। पंजाब की तरह देखिए मुफ्तवाद अब ये खत्म हो रहा है, लोगों को समझ आ रही है कि ये मुफ्तवाद से देश को कंगाल किया जा रहा है और ये किसी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि देश को कंगाल करने का ये भी एक तरीका हो सकता है।